आजमगढ़ के अतरौलिया में विगत दिनें हुई राज बहादुर यादव की नृशंस हत्याकांड में श्रद्धांजलि अर्पित कर वापस लौटते वक्त बलिया पहुंचे बिहार के पूर्व सांसद व गरीब जनता दल सेक्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु यादव ने सूबे की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ इतना ऊंचा हो गया है कि आज हर आदमी चिंतित है, जिसका जीवंत उदाहरण आजमगढ़ की घटना है, जहाँ के बदमाशों ने जिस तरीके से राज बहादुर यादव के हत्याकांड को अंजाम दिया है वो तालिबानी कानून को भी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से इसमें सुधार लाने की भी नसीहत दी तथा यह भी बताया कि जिस जनता की बदौलत वो सरकार में आई उसी जनता के साथ ऐसा हो रहा है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वहीं आरजेडी प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके रिश्तेदारों पर केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराए जाने के मसले पर उन्होंने बताया कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने के चलते हम उसमें कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन परिवार के प्रति हमारी भी सिंपैथी है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बताया कि अभी तक दबे कुचलों को जो 27% आरक्षण मिलता था उसको कम करके 6% पर ला दिया गया है। जो आरक्षण था वो 6% भी पर आ गया, तो पहले आरक्षण बचाओ फिर देश बचाओ। क्या अगर अगर आप सेक्युलर हैं, जिस तरह से हत्या हुई है राज बहादुर यादव जी और पिछड़ा लोगों का, उसमें तालिबानी जो कानून है उससे भी बढ़ करके ये घटना हुई है। प्रदेश के लोगों को काफी चिंता है कि इतना क्राइम का ग्राफ ऊंचा हो गया है, बढ़ गया है कि हर आदमी चिंतित है। इस चीज को मैंने आज देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है।